क्लास 10th के लिए यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और 12 की अगर मैं बात करता हूँ तो 12 में लिखा है कि assertion आपको ये दे रखा है कि एक quadratic equation है, और reason आपको बोल रखा है it is not in the form of this one। तो ये कह रहा है कि ये इस फॉर्म में नहीं है। पहले तो देखिए, जो quadratic equation होती है उसकी फॉर्म यही होती है ax square plus bx plus c equal to zero। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चलिए यहाँ पर इसने जो एसर्शन दिया है उसको देख लेते हैं। x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से आप खोलेंगे तो a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फोर माइनस टू ए बी टू टू जब फोर एक्स प्लस वन। इन दोनों को इस साइड लेके आओ बच्चों तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर और फोर एक्स और टू एक्स माइनस सी एक्स सिक्स एक्स और फोर और थ्री सेवन इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर और फिर आपका जो बी एक्स था प्लस सी उसकी फॉर्म में है। ए आपका वन है, बी आपका सिक्स है माइनस सिक्स है और सी आपका सेवन है। तो बिल्कुल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ट्रू है, लेकिन जो ये रीजन में बोला गया था इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये गलत है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जबकि ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो रीजन हमारे पास फॉल्स है और जो इसका एसर्शन है वो हमारे पास ट्रू है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारे पास assertion true आए, reason false आए, तो उसका पार्ट रहता है C। तो यहाँ पर हमारे पास C इसका आंसर रहेगा। नंबर 13 में देख लेते हैं, और 13 हमारे पास है। 13 में कहता है कि the discriminant D of the quadratic equation is minus 8 है, और यहाँ रीजन बता रखा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से छोटा होता है देन रूट्स आर नॉट रियल। बिल्कुल हमें याद है कि अगर डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा आ जाए, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव आ जाए, तो आपके जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं। माइनस रूट के अंदर, नॉट रियल मतलब रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या आ जाती है, वो नॉट रियल में आ जाता है। तो अब ये तो ठीक लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका रीजन है वो ट्रू है। एसर्शन देखते हैं और ये भी देखते हैं कि आप ये रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। एसर्शन यहाँ पर है कि इसका जो डी है वो माइनस एट है। निकाल के देखते हैं बच्चों, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी हमारे पास है माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस 16 और टू फोर जा फोर टू जा एट एट थ्री जा 24। माइनस एट हमारे पास आ रहा है जो कि नेगेटिव है यानी कि जीरो से छोटा है, तो और माइनस एट ही ये बोल रहा था, ये भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू है। तो 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि एसर्शन भी ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है, और आपका रीजन एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी यहाँ पर इसका आंसर ए रहेगा। चलिए बच्चों नंबर 14 को देख लेते हैं, और नंबर 14 में हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब कि आपका जो डी है वो जीरो से बड़ा आया था। डी मतलब बी स्क्वायर फोर ए सी अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो रूट्स आपके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, ये तो ट्रू है। और एसर्शन ले लेते हैं, एसर्शन का डी निकाल के देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और आपके पास जो इसमें बी है वो वन का स्क्वायर और माइनस फोर इंटू ए यानी कि सेवन इंटू सी यानी कि वन, तो वन प्लस फोर सेवन 28 यानी कि 29 जो कि डी से जीरो से बड़ा है, तो आपका ये भी ट्रू आ रहा है। तो एसर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हैं, और जो आपका यहाँ पर रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर ए रहेगा। चलिए बच्चों नंबर 15 को देख लेते हैं, और नंबर 15 में हमारे पास है कि एसर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है। तो इफ डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका डी जो है इक्वल टू जीरो आ जाए तो आपके पास क्या होता है, रियल और इक्वल रूट आते हैं। और ये हमें पता भी है कि अगर वो ऐसी कोई कंडीशन होती है जब डी इक्वल टू जीरो आता है तो आपके रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। चलिए इसका डी निकाल के देख लेते हैं, इसका डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
और बी आपके पास है 3k, 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 9 इंटू सी यानी कि 4, यानी कि 9k स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 144। आपका ये पूरा का पूरा अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो आपका रूट्स रियल और इक्वल रहेंगे। 9k स्क्वायर इक्वल टू 144 उधर ले जाओ तो k स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 9, 9 से कैंसिल करो 16, तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 और k का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, जबकि यहाँ पे इसकी वैल्यूज कितनी दे रहा है, 9 दे रहा है। तो बच्चों इसमें जो assertion है वो आपका false है, लेकिन जो आपका reason था वो true है। ऐसे के लिए जो हमारे पास option होता है वो रहता है D, D में आपका assertion true है, assertion false है और आपका reason true है। चलिए number 16 में चलते हैं और number 16 हमारे पास है, इसमें यह कहता है कि आपको assertion दे रखा है, वो दे रखा है ABC और वो बता रखा है कि वो AP में है if and only if आपके पास 2B equal to A plus C हो, और reason भी यहाँ पर आपको बता रखा है, reason में बोल रखा है कि the sum of the first n odd natural number is n square होता है। तो odd natural number का sum कितना होता है, आइए पहले देख लेते हैं, इसे चेक करते हैं। odd number होते हैं बच्चों जैसे 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो ओड नंबर होते हैं। इसका डी निकाल लेते हैं 3-1 = 2, इसका एसएन निकाल लेते हैं एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो आपके पास ये हो गया एन अपॉन में 2 और 2a प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2n - 2, तो आपके पास ये आ गया है और n अपॉन में 2 और इस 2 से आपने 2 कैंसिल कर लिया मल्टीप्लाई 2n, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल तो n स्क्वायर आपके पास, यस रीजन द सम ऑफ द n ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, ये तो ट्रू है। अच्छा और assertion आपके पास क्या है, assertion देख लेते हैं, AP if and only if 2B equal to, अगर 3 नंबर AP में, यानी पहला नंबर आपके पास है A, दूसरा नंबर आपके पास है B और तीसरा नंबर आपके पास दे रखा है सी, तो बच्चों जो इनसे डी आएगा यानी a2 - a1 आएगा b - a इक्वल टू, वो इनके डी के बराबर होना चाहिए, डी तो एपी में हर जगह इक्वल होता है, तो c - b, आप b को इस साइड लेके आइए b + b इक्वल टू c + a, तो b और b आपके पास 2b इक्वल टू c + a, तो आपके पास b इक्वल टू c + a अपॉन में 2, यानी ये भी हमारा ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन assertion की नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि भाई assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन इस रीजन ने, इस फॉर्मूले ने assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करा है, तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन आता है।